हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। जैसा कि आज रॉक का एपिसोड खत्म हो चुका है जिसमें काफी कुछ देखने को मिला। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाके वीडियो जरूर देख लीजिएगा। वहीं इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों मास्क वाले रैंडी ऑर्टन आज के रॉक के एपिसोड में हमें देखने को मिले। वहीं इसके साथ साथ कवर करेंगे ड्रू मैकइंटायर गोल्डबर्ग से जुड़ी अपडेट और WWE से जुड़ी कुछ अपडेट्स के बारे में, जो कि काफी कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। सबसे पहले हम बात करते हैं जनवरी में दिखने वाले PPV रॉयल रंबल के बाद फरवरी में दिखने वाले WWE के PPV एलिमिनेशन चैम्बर के बारे में, जिसमें हम हर साल एलिमिनेशन चैम्बर मैच देखते हैं। वहीं ये PPV पहले 28 फरवरी 2021 को दिखाई देना था, बट अब इसे WWE ने 28 फरवरी की जगह 21 फरवरी 2021 को कराने का फैसला लिया है। वहीं अब आते हैं ड्रू मैकइंटायर और गोल्डबर्ग पर। तो WWE ने इन दोनों के बीच रॉयल रंबल PPV के लिए मैच सेट कर दिया है। वहीं रॉ लेजेंड्स नाइट में ये दोनों स्टार आमने सामने थे और उसके बाद दोनों नहीं दिखाई दिए हैं और इनके बीच फ्यूड के नाम पर बस एक धक्का ही देखने को मिला है। हालांकि आज के रॉ के एपिसोड में WWE ने गोल्डबर्ग के नाम पर फैंस का काट दिया जब गोल्डबर्ग के म्यूजिक पर गिलबर्ग ने एंट्री करी। खैर, आने वाले रॉ के एपिसोड में, जो कि रॉयल रंबल PPV से पहले आखिरी रॉ का एपिसोड है, उसमें ड्रू मैकइंटायर और गोल्डबर्ग दोनों आमने सामने फिर से होने वाले हैं। अब देखते हैं WWE PPV से पहले लास्ट एपिसोड में इन दोनों के बीच क्या क्या दिखा पाती है। अब आते हैं आज के रॉ के एपिसोड में दिखे रैंडी ऑर्टन के प्रोमो पर, जिसमें वो मास्क पहने हुए दिखाई दिए थे। अब जैसा कि लास्ट वीक के रॉ के एपिसोड में अलेक्सा ब्लिस ने रैंडी ऑर्टन पर फायर बॉल से अटैक करा था, जो कि डायरेक्ट रैंडी ऑर्टन के फेस पर ही था, जिसके बाद रैंडी ऑर्टन आज के रॉ के एपिसोड में दिखाई दिए। अब अटैक के बाद रैंडी ऑर्टन रिंग में दर्द से तड़पते हुए भी दिखाई दिए थे। अब ऑर्टन की उस तड़प को WWE को रियल दिखाना था, जिस वजह से रैंडी ऑर्टन के फेस को मास्क से कवर करा गया था। अब उस मास्क में जितना कुछ दिखाई दे रहा था उसे WWE ने ऐसा दिखाया जैसे कि रैंडी ऑर्टन की नाक और फेस जल गया हो। ये सब इसलिए था ताकि अलेक्सा ब्लिस का अटैक रियल लग सके। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, क्योंकि WWE ऐसे ही किसी का फेस नहीं जलवा देगी। अब रैंडी ऑर्टन मेंस रॉयल रंबल में अपनी एंट्री को अनाउंस कर चुके हैं और उन्हें किसी के साथ इस PPV में सिंगल मैच में नहीं दिखना है। तो WWE ने सोचा ब्लिस के अटैक के साइड इफेक्ट्स दिखाए जाएं और इसे रॉयल रंबल तक खींचा जाए। इसी वजह से रैंडी ऑर्टन आज मास्क में दिखाई दिए हैं। अब ये परमानेंट नहीं है, टेंपरेरी है। जल्दी रैंडी ऑर्टन बिना मास्क के भी दिखाई देंगे और ये शायद रॉयल रंबल में उनकी एंट्री पर ही देखने को मिलेगा। कुल मिला के रैंडी ऑर्टन और फिंड की स्टोरी लाइन पर WWE अच्छे से काम कर रही है। वहीं फिंड की एब्सेंस में भी ब्लिस ने इस स्टोरी लाइन में जान डाली हुई है। अब TLC में जलने के बाद फिंड तो नहीं दिखाई दिए हैं, बट अलेक्सा ब्लिस के फायरबॉल अटैक के बाद रैंडी ऑर्टन आज मास्क में देखने को मिल गए। तो फ्रेंड, अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की वीडियो के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पर RKO मैंडिबल क्लॉ और सिस्टर अबिगेल मार के चैनल सब्सक्राइब करें। मगर प्यार से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.